उन्नाव बारासगवा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक बारासगवा थाना क्षेत्र के तलहाई गांव में एक 38 साल का युवक अपने परिवार से अलग पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। गुरुवार सुबह को युवक का खून से लथपथ शव उसके ही घर पर पड़ा मिला। वहीं पास में जमीन पर उसके नाखून के निशान भी थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि उसकी पत्नी का कुछ महीनों से एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति ने उसे कई बार उसके प्रेमी के साथ देख लिया था और इस बात को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता था, बावजूद इसके महिला अपने प्रेमी से मिलती थी। आरोप है कि बुधवार रात पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि युवक ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद पत्नी और प्रेमी ने मिलकर उसको मार डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है, साथ ही महिला के प्रेमी की तलाश में जुट गई है। एएसओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक बड़े भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पत्नी से पूछताछ की जा रही है। लोगों से पूछताछ में प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के चलते हत्या की बात सामने आई है। आज दिनांक 22/7/2021 को थाना बारासगवा जनपद उन्नाव अंतर्गत ग्राम तलहाई के कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति ने थाने पर आकर के यह सूचना दिया कि उसका छोटा भाई, जिसका नाम संत कुमार था, उसकी हत्या उसकी पत्नी तथा उसके अन्य किसी साथी द्वारा मिल करके कर दी गई। इस संबंध में उसके द्वारा एक लिखित तहरीर थाने पर दी गई, जिस पर 300 धारा 302 के अंतर्गत वह अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के मृतक के शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी उन्नाव भेजा गया है। मृतक की पत्नी को पूछताछ हेतु हिरासत पुलिस में लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक अन्य वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।